गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े मैंने धोए थे सुबह, तो इसी वजह से यहाँ पर लेके आई थी मैं, और उसकी फोल्ड कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी के काम होते रहेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े थे। तो मैं सोच रही थी कि माही को बोलूँ हेल्प करने के लिए, बट कभी कभी माही हेल्प कर देती है मुझे, बहुत बार हेल्प कर देती है माही कपड़े फोल्ड करने के लिए, आपने देखा भी होगा। बट आज उसके ना स्टडी बहुत सारी थी उसको, तो इसी वजह से आज उसने हेल्प नहीं की, और इस वजह से मैंने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने सोचा चलो जाने दो, बच्चे अगर मन लग जाता है स्टडी में बच्चों का, तो फिर उसमें डिस्टर्ब करना भी सही नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, और अद्विक परेशान कर रहा था हमेशा की तरह। तो इसी तरह से मैं सारे कपड़े अपने फोल्ड कर लूँगी, और अद्विक के कपड़े अद्विक के कबड़ में, माही के कपड़े माही के कबड़ में, और मेरे कपड़े मेरे कबड़ में, इस तरह से मैं लगा दूँगी और उसके बाद अपने काम करने में लग जाऊँगी। आना को अधिक अधिक आप कहाँ जा रहे हो? पर्सनल पार्सल आने ला कुठे? पार्सल खूब दूर है, कुठे चलला तू? पार्सल आने ला माझ्यासाठी पार्सल? कोणते पार्सल है माझं? शाळीवाला कैसे दबक दबक कैसे कैसे अद्वि? गाण कोणत? कस 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 करून दाखव। गिर गया कॉलर अशी का नाही पाहिजे? नाही नाही पाहिजे, त्याला नाही पाहिजे। माझे मी दबंग बनतो अद्विक 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 फुल दबंग बनतो। आप कौन सा गाना गा रहे थे? वो तो गाओ दबंग। कैसे फुल दबंग है अद्विक? रास्ता पर फोड़ते हां, रास्ता पर फोड़ते दबंग, रास्ता फोड़तो हां। कैसे पापा तुझे काफी कर देगी? काफी ना करू। अरे बाप रे, पापा तुझे कॉपी करते दीदी। बाय 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 बाय। पतंग हो गाइज, मैंने दोपहर में एक फेस पैक अप्लाई किया था और उसका रिजल्ट ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब काफ़ी अच्छे से ये टैनिन रिमूव करता है और काफ़ी अच्छा सा आपके फेस पे ग्लो ला देता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये शेयर कर दिया जाए, आपको भी इससे हेल्प हो। तो इससे क्या करना है, मतलब फ्रेश एलोवेरा जेल जो होता है वो लेना है, और उसमें ना एक स्पून कॉफ़ी के ऐड करने हैं, और इसे अच्छे से मिला लेना है, इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेना है, मतलब ताकि ये जो मतलब एलोवेरा जेल है वो अच्छे से घुल जाए, इस तरह से पेस्ट बनाना है। और इसमें ना मैंने दरदरी पीसी हुई जो चीनी होती है वो ऐड की है, मतलब साबुत चीनी ऐड नहीं करनी है, थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है चीनी को, वो ऐड करना है ताकि वो आपके स्क्रब का भी काम कर सके। तो इस तरह से आपको ऐड करना है, और ये जो मिक्सचर है आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसे मिक्सी में पीस भी सकते हो, उसका अच्छे से मिक्सचर हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा वो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बट मैंने यहाँ पर मिक्स नहीं, मतलब मिक्सी में नहीं पीसा था, मैंने ऐसे ही मिक्स कर लिया था उसे, और इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है उसे, ताकि कॉफ़ी और जो चीनी है उसमें अच्छे से ऐड हो जाए, मतलब मिक्स हो जाए। और उसके बाद ना आपको उसे अच्छे से फेस पर आपके अप्लाई करना है, फेस आप पूरे बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फेस मेरा वॉश कर लिया था। आपके फेस पे कोई भी जो क्रीम होता है वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर अपने बाल जो है वो मैं बांध लूँगी, ताकि मेरे बाल बीच बीच में ना आए, मैं अपना फेस पैक अप्लाई करूँ तो मेरे बाल बीच बीच में ना आए, इसी वजह से मैंने अपने
बाल जो है वो बांध लिए हैं सबसे पहले, और यहाँ पर मैं अपने फेस पर और अपने हाथों पर और पैरों पर इस फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और इस फेस पैक का रिज़ल्ट ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गाइस मुझे, मतलब एक्चुअली ये फेस पैक जो है, मतलब मैं ना ऐसे ट्राई करती रहती हूँ अलग अलग DIYs, तो इसी वजह से मैं ये पहला फेस पैक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मतलब फर्स्ट टाइम लगा रही थी, तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले मैं अप्लाई करती हूँ, उसके बाद अगर आपको रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो इसका रिज़ल्ट ना मुझे गाइस इतना अच्छा लगा कि इसने मेरे फेस पर काफ़ी अच्छा सा एक ग्लो ला दिया था, और मेरी जो टैनिंग है वो भी काफ़ी हद तक हट गई थी। तो ये आपके टैनिंग को भी हटाएगा, आपके फेस पे अच्छा सा एक ग्लो लाएगा, और विंटर में ना सभी की स्किन काफ़ी डल हो जाती है, तो ये फेस पैक काफ़ी इफेक्टिव है विंटर में, तो इसी वजह से मैंने ये जो फेस पैक अप्लाई करने के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसी वजह से इससे ना आपके डार्क सर्कल भी काफ़ी हद तक हट जाएंगे, मतलब अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें आपको फ्रेश एलोवेरा लेना है, आप जो पैक एलोवेरा होता है, एलोवेरा जेल होता है पैकेट वाला, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश एलोवेरा लेना है, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके अगर पिंपल्स होगा तो वो भी मतलब इससे कम हो जाएंगे, और डार्क सर्कल तो कम हो ही जाएंगे आप अगर रेगुलर इसे यूज़ करोगे, और इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है गाइस, मतलब सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, तो इसका जो मतलब साइड इफ़ेक्ट से आप अगर डरते हो तो साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है, मुझे तो कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं लगा, उल्टी मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है, काफ़ी अच्छे से टैनिंग इसने हटा दी है, और आप बाद में रिज़ल्ट इसका देख ही लोगे। मैं इससे अच्छे से अपने हाथों पे, पैरों पे, सारी जगह पे, अपने नेक पर वगैरह सारी जगह पे इसे अप्लाई कर लूँगी। ड्राई होने तक आपको इसे वेट करना है, और उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस फेस पैक को सारी जगह अप्लाई कर लिया है, और ये ड्राई भी हो चुका है, तभी मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी, और उसके बाद का रिज़ल्ट आप देख लोगे। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आपके सामने है गाइज, और आप देख सकते हो काफ़ी हद तक इसने मेरी टैनिंग हटा दी है, और काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे, और मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो जल्दी से इसको आपके साथ शेयर कर दिया जाए, तो इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसका रिज़ल्ट, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइज, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, मतलब इससे ना काफ़ी अच्छे से स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप अप्लाई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट हो गई है स्किन, और बिल्कुल मतलब एकदम छोटे बच्चे जैसी स्किन लग रही थी मुझे, तो इसी वजह से मुझे बार बार उसको हाथ लगाने का मन कर रहा था, और नोज़ देखिए कितना ज़्यादा मतलब चमक रहा है मेरा, कितनी ज़्यादा शाइन कर रही है स्किन भी, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी इस वाले फेस पैक से। एक्चुअली गाइज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आज ना माही ने कमाल ही कर दिया यार, माही आपका अभी माही ने दिखाया मुझे अब, अरे यार तोड़ दोगे क्या आज के आज ही तो ये है माही का मेडल आज का, और ये किस में मिला है आपको? रनिंग में मिला है माही को आज ये मेडल, गोल्ड मेडल। हाँ ये देखा, गोल्ड मेडल मिला है, दिल खुश हो गया आज यार देख के इसने ना जब स्कूल से आई तब दिखाया नहीं मुझे, और ये अभी दिखा रही है, मतलब पता नहीं इसको क्या हो गया था, तो स्कूल से आने के बाद दिखाया नहीं। ये देखो चप्पू, हाँ सर्टिफिकेट तो मिलना ही था माही उसके साथ, और ये सर्टिफिकेट भी मिला, तो ये दिखाया अभी, तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तो और ना आज तो माही को ट्रीट देना बनता है, तो आज माही के पसंद का बनेगा कुछ, तो माही क्या चाहिए आपको ये देखो मुझे। क्या चाहिए आपको? आज तो माही के पसंद का कुछ बनाना बनता है, तो आज माही के पसंद का बनाऊंगी मैं मंचूरियन, तो मंचूरियन बनाने वाली हूँ मैं माही के पसंद की, आज ग्रेवी मंचूरियन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन, और ग्रेवी मंचूरियन बनाने वाली हूँ एक्चुअली, तो ग्रेवी मंचूरियन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो चलिए फिर बनाते हैं ग्रेवी मंचूरियन आज। और ना किसी ने, हाँ वो भी पूछा था कल, कल के ब्लॉग में पूछा था किसी ने कि वो विंडो के बारे में फिर से, तो वही विंडो के बारे में मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कि ये जो विंडो है ये बड़ी सी विंडो है, आप देख सकते हो ये चिमनी के पीछे विंडो है, एक्चुअली ये विंडो हम लोगों ने मतलब पहले बनाई थी और बाद में चिमनी लगवाई थी, तो आप भी कर सकते हो, आपके घर में अगर इस तरह की विंडो है तो आप चिमनी लगवा सकते हो एक्चुअली,
और चिमनी लगवाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि विंडो नहीं होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए। विंडो के ऊपर भी आप चिमनी लगवा सकते हो और वो विंडो ओपन भी होगी चिमनी लगवाने के बाद। ऐसा नहीं है कि चिमनी लगवाने के बाद ये विंडो ओपन नहीं होगी। अगर आपको चिमनी बंद है और अगर आपको एयर चाहिए बाहर की, तो आप ये जो विंडो है वो ओपन भी कर सकते हो। तो ये ओपन होती है, क्लोज भी होती है, मतलब इस तरह से, और आगे चिमनी लगती है, तो इसी वजह से चिमनी का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप लगवा सकते हो अगर आपके घर में इस तरह की विंडो है किचन में, तो चिमनी आप लगवा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको नॉइज फ्री चिमनी लो आप, क्योंकि इससे ना बहुत ज्यादा नॉइज आता है। अगर ये मतलब उस टाइम हमें बताने के लिए कोई नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने बताया था हमें, बट हमने सोचा कि इतना ज्यादा नॉइज नहीं आएगा। जब वो था वहां पर देखा तो इतना ज्यादा नहीं लग रहा था, बट यहाँ पर ना जब कुकिंग करते हैं तो उस टाइम लगता है कि थोड़ा नॉइज आ रहा है। अगर नॉइज फ्री होती तो अच्छा रहता, बट अभी ले ली तो ले ली। तो आप कोशिश करना कि नॉइज फ्री लेने का। थोड़ा सा महंगा आएगा, बट एक बार खर्चा होता है कोई भी चीज़ के लिए, तो घर में चीज़ अच्छी आनी चाहिए। अगर एक बार खर्चा करोगे तो अच्छा ही करना, मतलब थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, बट नॉइज फ्री चिमनी लेना। तो मेरा सजेशन है, आगे का आप देख लो कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं। और एलिका की चिमनी जो है वो अच्छी होती है, एलिका ब्रांड से ही लेना, मतलब मैं सजेस्ट कर रही हूँ। आपको दूसरे ब्रांड की अगर पसंद आती है तो दूसरे ब्रांड की ले सकते हो आप, एलिका में नहीं पसंद आती है तो। बट मुझे तो एलिका की चिमनी पसंद आती है, तो इसी वजह से मैंने एलिका के लिए वो ये वाली ली। और मैं इसमें ब्लैक चाहती थी, बट वहाँ पर ब्लैक अवेलेबल नहीं थी, तो ये लेनी पड़ी। तो ये बोल रहे थे कि ये लगवा लो, अभी उन्होंने क्या बोला कि हमें ये लगवा लो, ये लगवा लो, जब ब्लैक आएगी तो हम एक्सचेंज करवा देंगे। बट ना हमने उनको बोला, पता नहीं, मैंने देखा नहीं कि लाइनर ऊपर लग गया था, पता नहीं। तो ना हमने उनको बोला बाद में, ना उन्होंने हमें बोला, तो इसी वजह से ये ऐसे की ऐसी रहेगी। जब से लगवाई है फिर हम लोगों ने एक्सचेंज ही नहीं की, तो हमने सोचा कि इतने दिन यूज की है, अभी उनको कैसे बोले कि एक्सचेंज करवा दो करके, तो हमने भी नहीं बोला और उन्होंने भी नहीं बोला उसके बाद। तो ये उसके बाद से सिल्वर कलर की आई है, मतलब ये जो मेटल कलर है वही है, बट अच्छी दिखती है। कांच ग्लास इस तरह से है, बहुत बड़ा सा ग्लास है, पूरा जो गैस है वो कवर कर लेती है। और आपका जो गैस है वो कवर करना चाहिए चिमनी ने, बस उतनी चिमनी आपको लेना चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, गैस उसने कवर करना चाहिए, इतनी चिमनी होनी चाहिए। तो बस चिमनी के बारे में बहुत कुछ हो गया। तो चलिए फिर अभी मंचूरियन ग्रेवी बनाती हूँ, सॉरी उल्टा ही बोल रही हूँ मैं, ग्रेवी मंचूरियन बनाती हूँ। सो गाइस, ग्रेवी मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कैबेज। तो कैबेज को मैंने अच्छे से क्या बोलते हैं उसमें चॉपर में चॉप कर लिया है, बारीक बारीक एकदम, बहुत ही फाइन चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैंने गाजर को चॉप कर लिया है, आपके पास कैप्सिकम हो तो कैप्सिकम भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने प्याज को भी अच्छे से चॉप कर लिया था और वो उसमें ऐड किया है। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर आधा चम्मच, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर जितना आप मैदा लेते हो उतना ही आपको कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। और उसके बाद आपको उस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मतलब उसके बॉल बने इस तरह से। अगर बॉल नहीं बनते हैं, पतला होता है, तो आपको और मतलब कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो, वैसे ही मैदा नहीं भी ऐड किया तो चलेगा। और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ मैं। और एक्चुअली ना चाइनीज़ डिश में अजीनोमोटो ऐड किया जाता है, बट अजीनोमोटो ना मुझे लगता है कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप अवॉइड करिए अजीनोमोटो खाना। तो इसी वजह से मैं ना अजीनोमोटो नहीं यूज़ करती हूँ कोई भी अगर चाइनीज़ डिश बनाती हूँ तो। और यहाँ पर मैंने तेल भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, तो मैं इसके जो बॉल्स है छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। इस तरह से आपको बॉल्स बनाने हैं। अगर आप बॉल आपके बॉल्स नहीं बनते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दीजिए, आपके बॉल्स अच्छे से बनेंगे। और इस तरह से आपको गोल गोल बॉल बना लेने हैं और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और आपको फ्राई ना मीडियम आंच पे करना है उन मंचूरियन बॉल्स को, तो ताकि वो अंदर से पक जाए, मतलब अंदर से कच्चे ना रहे। नहीं तो आप हाई फ्लेम पे कर दोगे तो ऊपर से जलने लगेंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसी वजह से जैसे हम लोग गुलाब जामुन फ्राई करते हैं उसी तरह से सेम प्रोसीजर इसको भी वैसे ही फ्राई करना है आपको। और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको वेट करना है और फिर इसे अच्छे से फ्राई करके
निकाल लेना है। तो उसके बाद हम लोग ग्रेवी बनाएंगे, तो ग्रेवी बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो पहले मैं मंचूरियन बॉल्स इसको फ्राई करके अलग से निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और उसके बाद मैं उसी कढ़ाई में तो उसका तेल निकाल के, थोड़ा सा ही तेल हमें चाहिए होगा उसके लिए बाद में, और ये जो बॉल्स है वो निकाल लूँगी प्लेट में, और उसके बाद हम उसी कढ़ाई में मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे। तो उसमें मैं दरदरा पिसा हुआ क्या बोलते हैं तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। वो ज़्यादा हमें होने नहीं देना है, जैसे हम लोग सब्जी के लिए ऐड डालते हैं उस टाइप का हमें नहीं होने देना है। ये दरदरा ही पीसना है आपको, ताकि इसकी जो स्मेल मतलब टेस्ट है, स्मेल बोल रही हूँ, टेस्ट है काफ़ी अच्छे से आती है अगर दरदरा आप पीसते हो तो। तो मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट बना होता है, मैंने वो पेस्ट ऐड नहीं किया है। और आपको प्याज ऐड करना है उसके बाद, और प्याज भी आपको जैसे आप सब्जी के लिए प्याज भूनते हो उस तरह से भूनना नहीं है आपको, गोल्डन ब्राउन होने तक कच्चा ही रहने देना है उसको, ज़्यादा भूनना नहीं है। और बस उसके बाद आपको ब्लैक पेपर ऐड करनी है आधा चम्मच तक, और ब्लैक पेपर के बाद आपको उसमें ऐड करने हैं जो आपके सॉसेस होते हैं वो, मतलब चिली सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस बड़ा 1 चम्मच, मैंने यहाँ पर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस लिया है। सोया सॉस मैंने 1/2 चम्मच लिया है, तो क्योंकि सोया सॉस अगर आप ज़्यादा लेते हो तो वो ब्लैक ब्लैक ग्रेवी दिखने लगेगी, इसी वजह से आपको सोया सॉस थोड़ा सा कम ऐड करना है। मतलब जितना हमने वो लिया है, मतलब बाकी के सॉसेस लिए है, तो उससे आपको थोड़ा सा 1/2 चम्मच वगैरह सोया सॉस ऐड करना है। और जो ये है क्या बोलते हैं अपना टोमेटो सॉस है वो आपको ज़्यादा ऐड करना है, और उसके बाद उसमें नमक ऐड करना है। मतलब 1 1 चम्मच मैंने चिली सॉस वगैरह लिया है, तो मैंने 2 चम्मच जो है वो बड़े 2 चम्मच टोमेटो सॉस लिया है। टोमेटो सॉस अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है उसका। और फिर उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पतला ही आपको पहले करना है मतलब ग्रेवी को, और उसके बाद आपको उस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है 2 चम्मच तक, और उसके बाद उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिक्स करना है, और पानी में अच्छे से घोल लेना है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी लिया है, और 2 चम्मच तक फिर उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। मैंने अंदाज से लिया है, आपको मैं बता रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, और फिर उसको उसका घोल बना लूँगी, और उसका घोल बनाने के बाद उसमें ऐड कर दूँगी। तो इससे ना आपकी ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगी, और आपको अगर लगता है कि ये ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, आपका जो मतलब आपकी जो ग्रेवी है वो मेंटेन हो जाएगी। तो उसके बाद आपको ग्रेवी में बॉईल आ जाने के बाद, यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा पतला करने के लिए, जिस तरह से कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी, क्योंकि इसके लिए तो थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा गाढ़ा ही रहने देना है आपको। और उसके बाद आपको बॉईल आ जाने के बाद, ग्रेवी में बॉईल आ जाने के बाद, उसमें जो बॉल्स है अपने वो डाल देने हैं। अगर आपको बाद में खाना हो तो आप उस टाइम भी बॉल्स डाल सकते हो जिस टाइम आपको खाना हो, बट हम लोगों को अभी खाना था तो इसी वजह से हम लोगों ने उस टाइम बॉल्स डाल दिए थे। और उसके ऊपर ना आप क्या बोलते हैं जो ऑनियन होता है ग्रीन वाला, वो ऑनियन अगर डालते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मेरे पास ना ग्रीन ऑनियन नहीं था यार, जो पत्ते वाला ऑनियन नहीं होता है वो वाला, तो ग्रीन ऑनियन नहीं था, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, वो धनिया पत्ता ही डाल दिया ऊपर से, थोड़ा सा ग्रीनिश मतलब गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए उसके लिए, और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है धनिया पत्ता का। बट अगर आप वो डालते हो ग्रीन ऑनियन, तो उसका भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। एक्चुअली इसमें ग्रीन ऑनियन ही डलता है ऊपर भी, और मतलब जब हम लोग ग्रेवी बनाते हैं उस टाइम भी, बट ग्रीन ऑनियन मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो इसी वजह से मैंने नहीं डाला। आपके यहाँ पे अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हो। तो इस तरह से मैंने बना लिए हैं मंचूरियन, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस। आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर सर्व करने के लिए रेडी है हमारे गर्मा गर्म मंचूरियन, ग्रेवी मंचूरियन, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। मेरा तो मतलब देख के ही खाने का मन कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है क्या? ज़रूर बताना मुझे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है माही, खा के देखो। हम लोगों को देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। हाँ नहीं, ग्रेवी तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, सभी बच्चे भी खा रहे हैं, और ये आने वाले आपको कि कैसे बनाया है। अद्वि कैसे बना बता। मस्त बना, टेस्टी बहुत। अद्वि खा रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा।
इसमें टिकट है। अच्छा आपको दिखा नहीं लग रहा है? लग रहा है थोड़ा। अच्छा तो लगा ना लेकिन। हाँ। अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी लग रहा है ना। चलो अद्विक को तो पसंद आया। कान दुखला होता। कान दुखला होता तुझा? केव्हा? आताच दुखला तुझा कान? दुखला होता। चलो बाय कर दो। बाय। सो गाइस सभी ने खा लिए मंचूरियन और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे, एक्चुअली बाहर जैसे ही बने थे। तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। आप कैसे बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, अगर इस तरह से ही बनाते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, अगर इस तरह से नहीं बनाते हो और तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बाहर जैसे ही बनता है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Bye.